हाँ से आइए आप। मैं अभी मॉस्को से आया था और मैंने लैंड किया था मतलब कल रात को, और मैं एसर के सर्विस सेंटर गया था। क्या प्रॉब्लम थी लैपटॉप में वैसे? बस स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रहा था, हाफ इधर पूरा खराब था और ऊपर ठीक था, मतलब वर्क हो रहा था, यूट्यूब वगैरह जो भी करना था मेरे को वर्क हो रहा था। और मैंने कहाँ लेके कहाँ गए थे इसको? पहले तो सर्विस सेंटर गया था, तो सर्विस सेंटर में बहुत ज्यादा प्राइस मांग रहा था क्योंकि वारंटी में नहीं था। ओके, तो मैंने आपका यूट्यूब का चैनल देखा तो सोचा कि इधर आता हूँ मैं पहले। तो वहाँ आते हुए बीच रास्ते में मतलब नेहरू प्लेस में बहुत सारे आदमी वहाँ बुलाते रहते हैं, तो वो लोग लेकर गए जो ये बाहर घूमते हैं, नीचे घूमते हैं, घूमते हैं, तो वो लोग लेकर गए। बोले पहले मेरे को कि ओरिजिनल लगा दूंगा 4000 में। मैं स्क्रीन का समझ गया। हाँ, स्क्रीन का मैं समझ गया, देखते हैं सुनते ही। हाँ, ये रेट नहीं है इस मॉडल की स्क्रीन का, क्योंकि डुप्लीकेट लगाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ रशिया में सर्च किया था खुद से भी, तो मेरे को प्राइस कुछ 5000 रूबल्स में आ रहे थे, तो इंडिया में सोचा कि सस्ता में हो जाएगा थोड़ा। नहीं, इसका महंगा है स्क्रीन इस मॉडल का, तो मैंने सोचा कि आके देखता हूँ। फिर वहाँ पे दिया तो लास्ट प्राइस जैसे कि आपका चैट्स दिखाया था मैंने, तो वो बोला कि ठीक है अच्छा 7000 में मैं कर दूंगा, आप दीजिए। ओपन किया उन्होंने, फिर ट्राई किया उन्होंने, उनसे बना भी नहीं, अब तो ऑन भी नहीं हो रहा लैपटॉप। अब ऑन भी नहीं हो रहा, पहले ऑन हो रहा था, चल रहा था, डिस्प्ले में प्रॉब्लम थी, ऑन हो रहा था पूरा मेरा। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती रहती है नेहरू प्लेस में, ये दिक्कत आती रहती है। जैसा कि आपने सुना अभी, ये भैया मेस्को से आए थे और वहां पे इन्होंने दिखाया तो थोड़ा इन्हें महंगा पड़ा था, तो इन्होंने यहाँ पे नेहरू प्लेस में लेके आए सर्विस सेंटर पे, और सर्विस सेंटर पे इनके साथ इन्होंने वहां से तो नहीं कराया, पर नेहरू प्लेस में ये ऐसे जो घूमते रहते हैं लोग बाग, उन्होंने उनके साथ गड़बड़ कर दी, जो मशीन चल रही थी वो भी बंद कर दिया, अभी ये डेड में हो गई है। पहले इसमें प्रॉब्लम थी स्क्रीन की, तो इन सब चीजों से सावधान रहे और अपने लैपटॉप को बचा के रखें।